ट्रकों के आगे पीछे रंग बिरंगी पेंटिंग्स आपने ज़रूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रक्स को खूबसूरत बनाने के लिए पेंटिंग करने वाले कलाकारों की ज़िंदगी दुभर होती जा रही है, क्योंकि ट्रकों पर हाथ से होने वाली पेंटिंग्स की जगह अब डिजिटल पेंटिंग्स ने ले ली है। कहीं प्यार मोहब्बत की बातें तो कहीं बुरी नज़र रखने वालों को नसीहत देते संदेश। भारत में ट्रक आर्ट लोकप्रिय कला का हिस्सा है। जैसा मालिक का मिजाज वैसा संदेश। पहले ज्यादातर शेरो शायरी होती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ सोशल मैसेजेस ने भी अपनी जगह बना ली। लेकिन फिर भी कुछ शौकीन ट्रक मालिक अपने ट्रक्स को पुराने पारंपरिक अंदाज में पेंट करवाते हैं। फूल पत्तियों के अलावा आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में बाज और गायों की तस्वीरें हैं। 22 साल से इस काम में लगे बंसी पेंटर इस कला में माहिर हैं। बचपन से पेंटिंग का शौक था, तो हमारे बड़े भैया ये कलर पेंट का काम करते थे, तो वो बोलते थे लिखने वाला नहीं मिलता तो आप यहाँ आके लिखो, इसलिए लिखना पड़ता था। वक्त बदला, नारे बदले, डिजाइन भी बदला, लेकिन ट्रक आर्ट के कलाकारों की जिंदगी नहीं बदली। इतनी मेहनत के बावजूद ट्रक आर्टिस्ट को अपने काम की सही कीमत नहीं मिल पाती। मनीष अपने परिवार में दूसरे पीढ़ी के ट्रक आर्टिस्ट हैं। डीयू में अपनी पढ़ाई आधी छोड़कर वे ट्रक आर्टिस्ट बन गए। उन्हें मजबूरी यहाँ ले आई। 30-35 साल से पापा ही कर रहे हैं स्प्रे पेंटिंग का और लिखाई का भी, तो उनको कुछ दिक्कत सी हो गई थी तो उनको ये काम छोड़ना पड़ा था, तो उनके जाने के बाद फिर मैंने ये काम संभाल लिया था। अब ज्यादातर डिजिटल पेंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका सीधा असर इन कलाकारों की जिंदगी पर पड़ा है। काम नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सही मेहनताना नहीं मिलता। तंग आकर ट्रक आर्टिस्ट इस पुश्तैनी काम को छोड़ रहे हैं और ये कला धीरे धीरे खत्म हो रही है। नमिता सिंह की रिपोर्ट, गो न्यूज़।